बैठक में हम सब लोगों ने एक कार्य योजना बनाया, रोड मैप बनाने का काम किया, और रोड मैप के तहत जहाँ संगठनात्मक विस्तार, बूथों तक हम कैसे पहुँचे, बूथ को सक्रिय कैसे करें, बूथ की कमेटी को हम जीवंत कैसे बनाएं, उसकी भी चर्चा हुई। आगामी पंचायत के चुनाव के दृष्टिकोण से भी हम सब लोगों ने एक योजना बनाया है, और हम चाहते हैं कि पंचायत का चुनाव राज्य की सरकार लेट ना करे, और साथ साथ इसकी चुनाव के दृष्टिकोण से भी हम सब लोगों ने योजना बनाई। और तीसरा, आपको जानते हैं राज्य की सरकार की जो हालात है, अराजकता की ओर बढ़ता प्रदेश, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो, तुष्टिकरण की राजनीति का सवाल हो, विकास का सवाल हो, और इस प्रदेश को पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई, कई और अन्य सवालों पर भी हम सब लोगों ने व्यापकता से, बेरोजगारी के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, कई विषयों पर हम सब लोगों ने विचार किया है, और आगे इसी विचारों को संग्रह कर करके पार्टी ने तय किया कि आगामी कार्यक्रमों की भी हम रचना करेंगे, और आगामी कार्यक्रम हमारा आंदोलन का होगा, जो पंचायत से लेकर के प्रदेश स्तर तक होगा, व्यापक होगा, उसमें जन सहभागिता होगी, जन मुद्दे होंगे, और साथ साथ में इस सरकार को घुटने टेकाने वाले भी होंगे। संगठन का जो शक्ति है, और संगठन उस शक्ति को फिर से और मजबूती देने के लिए हम लोगों ने कुछ अलग अलग कार्यक्रम का योजना है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ है, दूसरा जो प्रदेश के जो राजनीतिक परिस्थिति है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, ये जो सरकार हेमंत सोरेन जेएमएम कांग्रेस का जो नेतृत्व वाली सरकार, ये सरकार केवल जन विरोधी नीतियाँ ले रही से नहीं, देश विरोधी ताकतों को भी ये सरकार ने मदद दे रही है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ एक प्रबल जन आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं, अलग अलग समय पर कंटिन्यूस इस मूवमेंट को, आंदोलन को हम आगे आने वाला समय में इस सरकार के जन विरोधी देश विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग एक बड़े जन आंदोलन हम खड़ा कर रहे हैं।